हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे मावे की गुजिया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें हम डालेंगे मावा। मावे को हल्का सा पहले धीमी आंच पर भून लेंगे। पाँच से सात मिनट में हल्का सा हमारा मावा भून गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। अब हम मावे में शक्कर को अच्छे से घुलने तक पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें शक्कर को पीस के डाल सकते हैं, तो जल्दी घुल जाएगी शक्कर उसमें। देखिए, मावे में शक्कर हमारे अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नारियल का बुरादा। सूखा जो नारियल होता है उसका बुरा डाल रही हूँ मैं। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कटे हुए काजू, बादाम और चारोली, वो भी डाल रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। सभी मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको एकदम सूखा होने तक हम पका लेंगे। देखिए, हमारा जो स्टफिंग का मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। ये पैन भी छोड़ने लगा है। जिस कंसिस्टेंसी में हम मिठाई जमाते हैं वहाँ तक इसे हमें पकाना है, लेकिन इसे हमें जमाना तो नहीं है, हमें तो इसे स्टफिंग में भरना है। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स करके अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे थाली या प्लेट में निकाल लें, इससे जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। अब हम गुजिया के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है मैदा। मैदे में हम डालेंगे घी का मोयन, लेकिन हम मोयन को गर्म करके डालेंगे। घी को मैंने पिघला लिया है, हल्का सा गुनगुना है। पूरा मोयन में एक साथ नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। मैदे में हम मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसल मसलते हुए। देखिए, मैदे में मैंने अच्छे से मोयन को मिक्स कर लिया है। मोयन चेक करने के लिए आप इस तरीके से इसकी मुट्ठी बना के देखें तो मैदा एकदम से बाइंड हो रहा है, मतलब हमारा मोयन है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए, हमारा गुजिया का डो हमारा तैयार है। न हमें ज़्यादा कड़क रखना है, न बहुत नरम आटा रखना है। इस तरीके से हमें आटा इसका रखना है। इतना मैदा लगाने में हमें आधे कप से थोड़ा सा कम पानी का यूज़ किया है। आधे कप में इतना पानी हमारा रह गया है। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम मैदे को ढककर रख देंगे। देखिए, 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम एक थोड़ा सा घी डाल के इसे थोड़ा चिकना कर लेते हैं। यदि आपको लगे कि आपका जो डो है वो ज़्यादा कड़क हो गया है, तो एक दो बूंद पानी डाल के इसे आप हल्का चिकना कर लें। अच्छा, मैं इसे प्लेटफॉर्म साफ करके प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ। इसके पतली सी पूड़ी टाइप बेल लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसकी हमें पतली सी पूड़ी बेलनी है। अब मैंने गुजिए का साँचा लिया है, इस पर हम इस पूड़ी को रखेंगे और इसमें हम मावे की स्टफिंग भरेंगे। जब मावा हमने भुना था तो 2 से 3 मिनट मेरा मावा हल्का ज़्यादा भुन गया है, इसलिए हल्का सा मावे का कलर मेरा गुलाबी हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रख के करेंगे तो आपका मावे का कलर सफ़ेद ही दिखेगा। इस तरीके से हम लगभग 1 टेबलस्पून करीब
इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसमें आसपास हम हल्की से उंगली से पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। इसे ऐसे हल्का सा से दबाते हुए इसका जो आसपास की किनारे हैं वो हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसकी सारी गुजिया बना लेंगे। गुजिया की जो परत है वो ना आपको ज़्यादा मोटी करना है ना बहुत पतली करना है। ज़्यादा मोटी में भी जो आपकी गुजिया है वो नरम नरम लगेगी। बेलते समय भी आप ध्यान दें जो आप पूरी बेल रहे हैं उसमें बीच में से सल ना आए, नहीं तो वहाँ से गुजिया हमारी पड़ सकती है। जो आपकी एक्स्ट्रा कतरा निकल रही है उसे आप अलग से रख करते जाएं, क्योंकि जो इसका आटा है वो टाइट होते आता है, इसे उस आटे में मिक्स ना करें, इसे अलग से हल्का सा नरम कर लें, उसके बाद आप इसकी गुजिया बनाएं। देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार है। आप गुजिया को बनाने के तुरंत बाद ना तलें, इसे 15-20 मिनट हवा खाने दें। और जैसे आप एक बना रहे हैं उसके बाद आप इसे इस तरीके से पतले से कपड़े से ढकते जाएं जिससे जो ऊपर की परत है वो एकदम ज़्यादा ना सूखे। और ऊपरी भाग हल्का सा हवा खाने के बाद 10-12 मिनट बाद आप इस तरीके से उसे पलटी लगा दें तो नीचे वाला भाग है उसमें भी हल्की सी हवा लग जाएगी। इस तरीके से आप इसे 20 से 25 मिनट हवा खाने दें, उसके बाद ही से आप तले। यदि आप पंखे की हवा में कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे ढक कर ही रखेंगे, मतलब कि आपको गुजिया की दोनों साइड हल्की हल्की सी हवा लग जाए उसके बाद आप इसे तलेंगे। अब हम गुजिया तलेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में घी डाला है, घी हमारा गर्म हो गया है। इसे पलटते हुए हम हल्का सा सुनहरा होने तक तल लेंगे। इस तरीके से हम सारी गुजिया तल लेंगे। देखिए हमने सारी गुजिया तल ली है तो इस तरीके से हमारी गुजिया बनकर तैयार है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।